बगाना स्थित चैतन्य महादेव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर परिसर में अंडे और मरी हुई मछली फेंकने का मामला सामने आया है, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। यह घटना करीब सोमवार सुबह 3 से 4 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद तत्काल बगाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मामला शांत करवाया। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। सीएसपी अभिषेक रंजन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही बताया है कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे मंदिर पर महाआरती आयोजित कर मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। ये घटना आज सुबह 3 से 4 बजे की है। बगाना थाना क्षेत्र में चैतन्य महादेव मंदिर में एक घटना की गई है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जिससे कि सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुँचे। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की कर ली है और कुछ लोगों को राउंडअप कर लिया गया है। इसमें पूछताछ की जा रही है। मेरा जनसाधारण से ये अपील है कि सोशल मीडिया पे चल रहे अफवाहों पे ध्यान न दें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अफवाहों के जरिए कुछ ऐसा असामाजिक कृत्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।